सिंह साहब तुम गलत हो क्या बोल रहे हो सिंह साहब। ये महिलाओं पर अत्याचार है इस तरीके से आपस में फाइट में दरअसल बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। हमारे नेता को अरेस्ट किया है और हम लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। जी हाँ कितने महिला आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप गाली दे रहे हैं यहाँ पर? महिलाओं को गाली दीजिएगा, आप गाली देंगे महिलाओं को? आप महिलाओं को धमकी देके गाली देने की बात करेंगे? आप डाला लग जाएंगे महिलाओं को? तो आप देखिए कि किस तरह से जो है वो खुलेआम जो है वो पुलिस का व्यवहार है। कैमरे पर ऑन रिकॉर्डिंग जो है वो आपके साथ में बदतमीजी की गई, आपके जो साथी हैं उनके साथ बदतमीजी की गई, क्या कहेंगे? जी हाँ, ये झारखंड से एमएलए हैं दीपिका पांडे जी, और हम लोग सिर्फ जाना चाहते थे जब हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख रहे हैं हमारे कितने साथियों का सर फोड़ा गया है, किसी के बाजू तोड़े गए हैं, लहू लुहान भी कुछ साथी हुए हैं। और महिला अधिकारियों ने नहीं, यहाँ पर पुलिस जो खड़ी है, पुरुष पुलिस ने हमको गंदी भद्दी बातें कही हैं और धक्का मुक्की करी है हमारे साथ, लाठियाँ बरसाई हैं। ये कौन सा शासन है? ये कौन सी पुलिस है? ये किसके इशारे पर हो रहा है? और क्या योगी आदित्यनाथ महिलाओं से इतना डरते हैं? ये मुझे पूछना, और मुझे ये भी कहना है कि उनके अंत का आरंभ आज इसी जमीन से हुआ है। राहुल गांधी जी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आगे का रणनीति क्या रहेगी, कैसे होगा? यही एक डरपोक योगी कर सकते थे, उनके पास क्या था करने को? राहुल और जी और प्रियंका जी सिर्फ पीड़िता के परिवार से जो आज इस दुनिया में नहीं है मिलकर अपनी सांत्वना व्यक्त करना चाहते थे। वो योगी जी जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं, उनके पास सिर्फ एक रास्ता था उनको अरेस्ट कर लेने का, और उन्होंने वो कर लिया। लेकिन इससे हमारी आवाज़ दबेगी नहीं, ये और बुलंद होगी, ये वो समझ लें। 50 किलोमीटर के करीब जो है वो पैदल चले राहुल गांधी। जी हाँ जी हाँ। अधीर रंजन जो है वो आए, किसी वेणुगोपाल, हमारे सारे आले नेता, सब आला नेता यहाँ पे थे। जो है अब हाथरस के मुद्दे पर योगी सरकार को जो है पूरी तरह से घेरने की वो उसमें आर पार की लड़ाई में, ये सिर्फ हाथरस का मुद्दा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में महिलाओं का क्या हाल है, महिलाओं के प्रति कितनी बर्बरता, कितनी अपराध और कितने जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये उसकी तस्वीर है। ये सिर्फ हाथरस का मामला नहीं, क्योंकि ये ना हाथरस से शुरू हुआ है ना हाथरस पे खत्म होगा, ये बढ़ता जा रहा है और हम अपनी आवाज उठाएंगे इस पर। तोड़ दिया, चलाओ ना गोली, हम सीने पसाएंगे गोली, हम सीने पसाएंगे गोली, ले चलिए। राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लाठी चार्ज भी हुआ है, क्या कहेंगे अजय जी? ये सरकार दमन की राजनीति करना चाहती है, लाठी, बैठो चुपचाप, बैठिए, रुक जाइए दीदी, दीदी बस शांति से बैठिए, शांति से बैठ जाओ भैया। राहुल गांधी के सिपाही हैं हम लोग, उनके साथ लड़ाई की शुरुआत हुई है।
सरकार को ले चलना है, ले चले, हम जेल भरेंगे, हम पीछे हटने वाले थोड़े हैं। नहीं, पीछे कोई नहीं हटेगा, कोई नहीं हटेगा, राहुल जी के साथ जेल जाएंगे हम। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय जी, पुलिस जो है लगातार मना करती रही कि लाठीचार्ज नहीं हो, उसके बाद लाठीचार्ज। दमन की राजनीति पर उतारू है। जिस तरह उस लड़की के कातिलों को बचाने की सरकार ने कोशिश की, उसी तरह लगातार गुमराह कर रही है देश को, प्रदेश को। हम डरने वाले थोड़े हैं, लड़ाई जारी रहेगी। बेटी को न्याय दिलाने के लिए हजारों कुर्बानियां देनी पड़ेगी, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बेटियों के न्याय के लिए हजार कुर्बानी देगा। मुकदमे से नहीं डरता कांग्रेस का कार्यकर्ता, लाठी से नहीं डरेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। हमारे नेता राहुल गांधी को लाठियों से मारा गया है, प्रियंका जी पर लाठी चार्ज किया गया है, कार्यकर्ताओं का हाथ तोड़ दिया गया है। अगर सरकार को घमंड है कि उनके पास बंदूक है तो हमारा सीना है, उनके पास लाठी है तो हमारा सर है। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। राहुल जी ने कहा कि अकेले जाने के लिए तैयार है, 144 की अगर पुलिस बात करे। ये सरकार जो करना चाहे करे, हमारी लड़ाई जारी है। राहुल जी को पहले जाने नहीं दिया है, उस समय जब राहुल जी शांतिपूर्वक जाना चाहते थे, सरकार ने दमन किया, लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करे, हम भगने वाले थोड़े, हम लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, कांग्रेस जो है वो साफ कर रही है कि लड़ाई जो है वो जारी है, और राहुल गांधी जो है वो अकेला जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने अकेले भी जाने नहीं दिया, और उसके बाद में जो है प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को जो है वो यहाँ से डिटेन किया पुलिस ने। और अब जो है अजय लल्लू कांग्रेस यूपी के जो अध्यक्ष हैं, वो अभी भी जो है वो यहाँ पर सड़क पर जो है वो धरना दे रहे हैं, और लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पुलिस ने आखिरकार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन पर लाठीचार्ज क्यों किया। राहुल गांधी जो है वो जाना चाहते थे, तो उनको जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। तब तक हम जेल में, हमें जेल भले ले जा रहे हैं, लेकिन जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, कितनी बार एक बार नहीं, हल्ला बोल, चार बार ले चले, हमारी लड़ाई जारी है। हल्ला बोल, हल्ला बोल, मेरे आवेगा, ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले, जेल चले, ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले, जेल चले, ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले, जेल चले, ये दीवाने कहाँ चले, मोदी योगी की तरह नहीं चलेगी। मोदी योगी को उसमें आना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़ कर जाना होगा। मोदी कल छोटे हमें काम नहीं करने देते, कांग्रेस से नहीं देने वाले हम, मोदी योगी के गुंडों से नहीं देने वाले हम। 2022 में घाट बैठेंगे, ही नहीं हम घाट बैठेंगे। जेल से डरने वाला है या लाठियों से डरने वाला? किसी के दुख में सिर्फ गुना, लोकतंत्र में गुना नहीं है। हम योगी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, NSUI का कार्यकर्ता, हर रोज गुना करेगा। आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पर लाठीचार्ज हुई है, NSUI की ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता पर लाठी हुई, पर हम डरने वाले नहीं है। देश की बेटी को, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिला के लेंगे। हम इस लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं है। हम आदमी बेटी की लड़ाई लड़ेंगे, मौत बनना पसंद है, लाठी लाठी से डरेंगे, गुंडों से डरेंगे, हम योगी गुंडा डरने वाले नहीं है। प्रियंका गांधी जी के साथ बदसलूकी की गई, राहुल गांधी जी को के साथ मजबूती की गई, कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ दलित बेटी के न्याय के लिए लड़ेगा। दमनकारी सरकार से ये देश, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये देश ज्योतिबा फूले का देश है, ये देश सावित्रीबाई फूले का देश है, ये देश गोवलकर और सावरकर का देश नहीं है। ये देश सावरकर का नहीं है। बलरामपुर में एक और जो है दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ है। बलरामपुर की घटना और हाथरस की घटना, दोनों ही मामले में एक ही तरह का
योगी सरकार द्वारा दमन किया गया है, जिसकी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जमीन पर संघर्ष कर रही है। आज जगह जगह आंदोलन, मुरादाबाद जाम किया गया, बरेली जाम किया गया, हाथरस के अंदर लगातार आंदोलन जारी है। साथियों, आज अगर हम नहीं लड़े, कभी कभी नहीं लड़ पाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार मनुवादी सरकार है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।